हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी के एक घर में दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग की स्पेशल टीम की छापेमारी को लेकर एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिस आरोपी परिवार के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, उस घर की महिला जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। सिविल जज ने इस बड़े मामले पर संज्ञान लेते हुए क्लास 4 महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस जांच को लेकर हिमाचल प्रदेश की जांच एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर आ गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में भी कॉइन सिक्कों के मामलों को लेकर सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा पुरुष आरोपी सहित दो अन्य आरोपियों पर भी मामले में कड़ी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अब करोड़ों रुपए के मामले को लेकर भी टीम गहनता से छानबीन कर रही है। महिला कर्मचारी को सस्पेंड किए जाने की सिविल जज की ओर से पुष्टि की गई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं श्याम वर्मा आपके आशीर्वाद से खोली वार्ड नंबर 10 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि आम जनमानस की सेवा करना है। मैं अपनी सभी 10 पंचायतों के गांव वासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे सफल बनाएं और मेरा चुनाव निशान बांसुरी है। धन्यवाद। राधे राधे। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट सत्यम नर्सिंग कॉलेज लंजोत शाहपुर में निम्न कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें, जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक। कॉलेज एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय HPNRC एंड INC। डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने पर प्लेसमेंट की सुविधा। संपर्क करें 9816287750, 7018082719 और 9871238829।